हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे लैब लोटा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें आपको सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम गेम स्क्रीन पर आ गए हैं और जहाँ से हम जाएँगे लैब लोटा में। तो अभी हम लैब लोटा में जा रहे हैं और जाकर देखते हैं कि क्या क्या भी करना पड़ेगा, किस किस को भी मारना पड़ेगा, कैसे हम इस लैब को क्लियर करेंगे। तो ओपन करते हैं इस लैब का फर्स्ट डोर। फर्स्ट डोर ओपन करते ही हमें मिलते हैं 3-4 डॉग्स और एक गार्ड। इन सबको हमें पहले मारना पड़ेगा और इसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। तो अभी क्रिएट देख लेते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी सैंपल्स मिलते हैं सबको उठाया करो और इनको डेली एक्सचेंज किया करो। इनको एक्सचेंज करने से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, जो हमारे बहुत ही काम आते हैं गेम में। तो हम धीरे धीरे इस लैब को क्लियर करेंगे, इसके सब पार्ट्स देखेंगे। ओके, तो एक डोर हमने और ओपन किया है जिसके आगे हमें गार्ड्स मिल रहे हैं। ये गार्ड्स बहुत ही पावरफुल हैं, इनको किल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम किल कर रहे हैं सबको। अभी जहाँ पे दो डॉग्स एंड एक गार्ड है, इन तीनों को मारकर हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे एक ही गार्ड है, इसकी जो पावर है बहुत ही हाई है। जब हम इस पर अटैक करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसकी पावर तो कम ही नहीं हो रही, इस पर जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा अटैक का। तभी हम थोड़ी सी अपनी वो मेडिकेट लगा लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डोर ओपन करते हैं और जहाँ पे है दो डॉग्स, जे भी किल कर दिया हमने। अभी क्रिएट देख लेते हैं और उसके बाद आगे डोर ओपन करेंगे। इस डोर को ओपन किया और यहाँ पे भी एक बहुत ही पावरफुल गार्ड इन लोगों ने रखा है, लेकिन हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको आज मार कर जाएंगे यहाँ से। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं डोर की तरफ। बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे, तो ये डॉग्स का क्या काम इस लैब में, इतने सारे डॉग्स यहाँ पे रखे हैं इन लोगों ने। एक और डोर ओपन करते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या क्या आता है। ओके, तो अभी गैस है, इस गैस से बचकर रहना। जितना भी अगर इसके कांटेक्ट में आओगे आप, तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही जल्दी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हम नेक्स्ट डोर ओपन कर रहे हैं। तभी हमने डोर ओपन किया, इस डोर से हम जाएंगे इस लैब का जो बॉस है उसकी तरफ और सबसे पहले हम उसको किल करेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या क्या आता है। तो बॉस को किल करने से सबसे पहले धीरे धीरे जाइए और एकदम से अटैक कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर उसको बिना पता चले उस पर आप अटैक करते हो तो उसकी हेल्थ बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और हमारा बैकपैक है जो वो भी टूट चुका है। ओके, तो बॉस को हमने किल कर दिया है और जितना भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी मटेरियल मिल रहा है, सब हम उठाएंगे जहाँ से और लेकर भाग जाएंगे। तो भाई सब तो नहीं उठा पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत ही कम है। हमारा बैकपैक जो है सिर्फ 10 आइटम्स को ही स्टोर कर सकता है,
तो जहाँ से हम कुछ आइटम्स निकालते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो अभी हम आगे चलेंगे, लेकिन उठा ही लेते हैं सब कुछ। अभी एक मेडिकिट लगा लें और उसके बाद फिर आगे देखते हैं और क्या क्या आता है। तो जहाँ से हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड को, और जहाँ पे है एक गार्ड जिसको अभी किल करना है हमें। ओके, जो जे भी गया। अभी नेक्स्ट डोर ओपन करते हैं तो एक गार्ड और है। इस गार्ड को भी हमने किल कर दिया है। अभी क्रेट्स देख लेते हैं क्या क्या मिलता है हमें, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अभी हमें ज़्यादातर तो गार्ड्स ही मिल रहे हैं जिनको किल करना है। और फाइनली इस लैब को हम क्लियर कर चुके हैं। बहुत ही छोटी सी लैब थी और बहुत ही जल्दी हमने किल कर लिया। अभी जहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे जितने भी सैंपल हम लोग उठा कर लाए हैं वहाँ से, और वापस हम चलते हैं अपने कैंप पे। तो गाइस, ये लैब क्लियर हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।